हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ बहुत सही होंगे आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, रैपिड रिवीजन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें हम बात क्या क्या करने वाले हैं, वेरियस कंट्रीज़ और सिटीज़ की जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं, साथ ही साथ में वेरियस टाइप ऑफ सेल्स के बारे में बात करेंगे। ओके, इतनी चीज़ें हम करेंगे आज इस रैपिड रिवीजन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे रैपिड रिवीजन में, सबसे पहले कंट्री और सिटी की। तो फेमस रॉयल बोटेनिकल गार्डन, ये कहाँ पे है? कीव, इंग्लैंड में। इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ये कहाँ पे है? हावड़ा, इंडिया, आप जानते होंगे। ओके, एनबीआरआई, एनबीआरआई का फुल नेम क्या है? नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज लखनऊ में है ये। ओके, सीडीआरआई का नाम जानते होंगे आप, सीडीआरआई जहाँ पे सहेली को डेवलप किया गया, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में पाया जाता है। फिर उसके बाद हम बात करें एस्ट्रोबेलियंथस कुंथियाना। ओके, तो एस्ट्रोबेलियंथस कुंथियाना जो 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, ये कहाँ पे पाया जाता है? केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में। ओके, फिर आया ल्यूपिनस एरेक्टिकस। तो ल्यूपिनस एरेक्टिकस को हम कहाँ से ऑप्टेंग कहाँ से एक्सकेवेटेड किए, याद रखना, आर्कटिक टुंड्रा से। ठीक वैसा ही है फियोनिक्स डेक्टाइलिफेरा, इसको हमने एक्सकेवेट किया कहाँ से? किंग हेरोड्स प्लेस नियर डेड सी। फिर साहिवाल काऊ के बारे में बात करते हैं। साहिवाल काऊ जो है वो पंजाब में आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू बनाई गई। हिसार डेल जो बना था वो, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द क्रॉस ब्रीडिंग, ये भी डेवलप हुआ कहाँ पे? पंजाब में। आपको पता होना चाहिए कि हिसार डेल जो होता है वो मरीनो रैम्स और बीकानेरी ईव्स के क्रॉस से बनाया गया। ओपेरिन कहाँ के थे? रशिया के। और हेल्डन कहाँ के थे? इंग्लैंड के। फिर उसके बाद मिलर आए, मिलर कहाँ के थे? अमेरिका के। और यूरे और मिलर, ये दो साइंटिस्ट थे, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने ओपेरिन और हेल्डन की केमिकल थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। फिर अल्फर्ड वैलेस है, ये इन्होंने वर्क किया था मेलाय आर्किपेलागो। ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग द इवोल्यूशन बाय द नेचुरल सेलेक्शन कम्स फ्रॉम, ये कहाँ से है? इंग्लैंड से। डार्विन की बात करूँ तो डार्विन जो है उन्होंने वर्क किया था किस पे? गैलापागो आइलैंड पे। फिर उसके बाद कोलियोकैंथ फिश जो है वो कहाँ पे कॉट की गई, अपन कहाँ पे पकड़ी गई फर्स्ट टाइम, वो याद रखना, साउथ अफ्रीका में 1938 में। फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स डिस्कवर्ड इन, कहाँ पे डिस्कवर्ड हुए? तो याद रखना, फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन वो कहाँ पे डिस्कवर्ड हुए? इथोपिया और तंजानिया। ओके, अबाउट 3 to 4 मया, मया मतलब मिलियन ईयर एगो, मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक इन द ईस्टर्न अफ्रीका। ऑस्ट्रेलोपिथिकस वो कहाँ पे लिव करते थे, वो कहाँ पे रहते थे? वो रहते थे ईस्टर्न अफ्रीकन ग्रासलैंड पे। फॉसिल्स ऑफ होमो इरेक्टस वो कहाँ पे डिस्कवर्ड किए गए? जावा में। नियंडरथल मैंस जो थे वो कहाँ पे रहते थे? नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। होमो सेपियंस जो है वो कहाँ पे रहते थे, वो कहाँ पे एरोज हुए? ठीक है, वो अफ्रीका में एरोज हुए। ओके, आपको याद रखना। और यहाँ पे है एरेथ्रोजाइलम कोका, इट इज़ द नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका। तो ये मैं पूरा बोल दे रहा हूँ, एरेथ्रोजाइलम कोका लिखा है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इज द नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका। फिर आगे हम डेटा के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। मोर देन 70% लाइव स्टॉक जो है पॉपुलेशन वो कहाँ कहाँ से बिलोंग करती है? इंडिया और चाइना से। तो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन जो है मोर देन 70% बिलोंग्स टू इंडिया एंड चाइना, मगर इसका जो प्रोडक्शन होता है वो 25% के करीब है। ओके, सैक्रम बारबेरी मैंने आपको बताया ये नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है, और सैक्रम ऑफिशिनेरम ये वैराइटीज़ है, ये बेसिकली सुगर क्रेन की वैराइटीज़ है। ओके, ये साउथ इंडिया में। IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक, ऐसा है एरी, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है फिलीपींस में। ठीक है, फिर ICWMI, ये है मैक्सिको में। अब टाइचोन नेटिव फर्स्ट जो है वो डेवलप किया गया कहाँ पे? ताइवान में। IRA डेवलप कहाँ कहाँ पे किया गया? इरी, दैट इज फिलीपींस में। ठीक वैसा ही है बॉरलॉग, नॉर्मन ई बॉरलॉग, हाँ ये पूरा नाम है इनका, नॉर्मन ई बॉरलॉग। उन्होंने शेमिड ऑफ वेराइटीज़ को, ऑफ वीट को कहाँ पे डेवलप किया गया था? मैक्सिको में, याद रखना। फिर हम बात करें जया और रत्ना, ये डेवलप किया गया कहाँ पे? इंडिया में। जया और रत्ना जो है ये बोल सकते हैं राइस की सेमिड ऑफ वेराइटीज़ हैं। टोडी, टोडी जो है एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है कहाँ की? साउथ इंडिया की। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो है इसको यूज़ किया गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में टू ट्रीट द अमेरिकन सोल्डर। इली लिली, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये एक अमेरिकन कंपनी है जहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है ह्यूमन इंसुलिन बनाया गया विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अ कंपनी विच गॉट द पेटेंट राइट ऑन द बासमती राइस, दैट इज द अमेरिकन कंपनी। मैंगो ट्री जो होता है वो कहाँ पे ग्रो नहीं होता है, आपको याद रखना, मैंगो ट्री डू नॉट और कैन नॉट ग्रो इन कैनेडा एंड जर्मनी। स्नो लेपर्ड्स जो हैं वो आर नॉट फाउंड इन केरला एंड केरला फॉरेस्ट। तो याद रखना, स्नो लेपर्ड जो है वो केरला फॉरेस्ट में नहीं होंगे। हाई एल्टीट्यूड प्लेस मोर देन 3.5 किलोमीटर, इन्होंने मीटर में दिया है, ठीक है याद रखना। वो कहाँ पे है, कहाँ लोकेटेड, इसका एग्जाम्पल कहना है रोहतांग पास नियर मनाली एंड मानसरोवर। ओके, इन 1920 प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है,
विजिटिंग फ्लेमिंगो एंड रेजिडेंट फिश कॉम्पिटिट इन, वो कहाँ पे इन्होंने ये जो विजिटिंग फ्लेमिंगोज थे वो पर्टिकुलर रेजिडेंट फीट के साथ फिश के साथ कहाँ पे कॉम्पिटिट किया था, वो साउथ अमेरिका के लैक में. ओके, एबिंगडन टॉर्टॉइज वर फाउंड इन द गैलापागो आइलैंड बर्नेकल्स, दैट इज द बैलेनस, और एक होता है कैल्थमस, फाउंड इन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड. और रॉ वॉल्फ या वोमिटोरिया आप जानते होंगे ये कहाँ पे ग्रो करता है, हिमालय में. अमेजोन रेन फॉरेस्ट ये कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में. अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ओके, ये एक्सप्लोर्ड इन साउथ अमेरिकन जंगल्स. ओके, डूडो, डूडो कहाँ से बिलोंग करता है, एक्सटिंक्ट फ्रॉम मॉरिशस, तो मॉरिशस से बेसिकली ये एक्सटिंक्ट हो गया, बिलोंग नहीं एक्सटिंक्ट हो गया. क्वागा, क्वागा कहाँ से, अफ्रीका. थैलेसिन कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया. स्टीलर सी काउ, स्टीलर सी काउ डिस्टिंक्ट फ्रॉम रशिया. लैक विक्टोरिया फाउंड इन ईस्ट अफ्रीका, ये आपको याद रखना है कि लैक विक्टोरिया कहाँ पे पाए गए, ईस्ट अफ्रीका पे. फिर आगे आ जाइए, क्लैरियस गैनीपेनस ये जो है अफ्रीकन कैटफिश है, याद रखना है आपको. अर्थ समिट जो हुई वो कहाँ पे हुई, रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील, वहाँ पे, हाँ रियो डी जेनेरियो. और फिर आया कौन सा, वर्ल्ड समिट, वर्ल्ड समिट कहाँ पे हुई, जोहानसबर्ग जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है. फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इसको अपन मॉन्ट्रियल में इसको हेल्ड किया गया कैनेडा में जो है. खासी एंड जयंतिया हिल्स ये कहाँ पे है, मेघालय में. अरावली हिल्स जो है वो कहाँ पे, राजस्थान में. ठीक ऐसा ही वेस्टर्न घाट रीजन आर फाउंड इन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. ठीक ऐसे सारगुजा चंदा बस्तर एरियाज ये जो है कहाँ का, मध्य प्रदेश. ठीक है, ये सारे जो है बोल सकते हैं एग्जांपल्स जो हैं ये आपके अरावली हिल्स हो गए, वेस्टर्न घाट्स रीजन हो गए, ये सारे एग्जांपल्स एक एनसीईआरटी में एक पॉइंट है, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी याद आता है तो शायद इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा. बस ये सैक्रेड ग्रुप्स से रिलेटेड है, तो ये सैक्रेड ग्रुप्स हैं, ये आपको याद रखना है, सैक्रेड ग्रुप्स के एग्जांपल इन्होंने दे रखे हैं. ठीक है, तो उसको आपको याद रखना है. चलिए अब हम बताते हैं यहाँ पे अहमद खान, अहमद खान जो है वो बैंगलोर से रिलेटेड थे, उन्होंने जो है प्लास्टिक का यूज़ किया, ठीक है, रोड बनाने में, आपको पता ही होगा. रमेश चंद दागर रिलेटेड टू सोनीपत हरियाणा. ओजोन होल प्राइमरली, ओजोन होल इज पर्टिकुलरली मार्क्ड ओवर द अंटार्कटिका रीजन, आपको पता ही होगा. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और जूम कल्टीवेशन डन इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया. अमृता देवी बिश्नोई वो कहाँ से रिलेटेड थी, जोधपुर राजस्थान से. और चिपको मूवमेंट जो है वो गरवाल हिमालय में चलाया गया. अब हम बात करते हैं वेरियस टाइप ऑफ सेल्स के बारे में. सबसे पहले हम सेल्स के बारे में बात करेंगे, हेट्रोसिस्ट. हेट्रोसिस्ट जो होता है एक स्पेशलाइज सेल्स होता है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. ये किस में पाया जाता है, नॉस्टोकोरेनाबेना में एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, माइक्रोप्लाज्मा एग्जांपल है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स. फिर हम बात करें क्विनोसाइट्स, क्विनोसाइट्स कहाँ पे होते हैं, स्पॉन्जेस में होते हैं. ओके, ये आपको याद रखना, इसी का दूसरा नाम है कॉलर सेल. फिर नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट ये जो होते हैं सेलेंट्रेट्स में या नीडेरिया में पाए जाते हैं, विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमेटोसाइट. फ्लेम सेल की बात करूँ मैं तो फ्लेम सेल जो होते हैं यूजुअली ये प्लेटी एलमेंथीज में होते हैं, और प्लेटी एलमेंथीज का यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स लिख ही दिया इन्होंने, और ये यूजुअली जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, दैट्स व्हाई इट हेल्प्स इन द ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. फिर हम बात करते हैं स्टेटोसिस्ट. स्टेटोसिस्ट जो होता है ये बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, ये बैलेंसिंग में हेल्प करता है. किस में पाया जाता है, आर्थ्रोपोड्स में. फिर हम बात करेंगे रूट हेयर्स, तो रूट हेयर्स जो होते हैं ये होते हैं जोन ऑफ मैचुरेशन में पाया जाता है, ये हेल्प करता है वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन में. गार्ड सेल की बात करूँ तो एस्टोमेटा में पाया जाता है, तो इनक्लोज द एस्टोमेटल एपर्चर और पोर. और ये गार्ड सेल कैसा होता है, बीन सेप होता है, ये आपको याद रखना है, बीन सेप होता है. ये डाइकॉट में किडनी सेप या बीन सेप होता है, मगर मोनोकॉट में होता है डंबल सेप, ये आपको याद रखना है, तो मोनोकॉट में होगा डंबल सेप. अब हम बात करते हैं किसकी, सब्सिडरी सेल की. ओके, तो सब्सिडरी सेल बेसिकली ये भी जो होता है ये अ फ्यू एपिडर्मल सेल इन द विंड सिटी ऑफ द गार्ड सेल बिकम स्पेशलाइज इन दियर सेप साइज कॉल्ड सब्सिडरी सेल. बंडल सीड सेल आप जानते ही होंगे, ये द वैस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाई अ थिक वॉल्ड बंडल सीड सेल. ठीक है, तो इन सबको बस याद रखना है आपको, इसमें कुछ खास नहीं. बुली फॉर्म सेल से रिलेटेड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ये पाया जाता है किसमें, ग्रासेस में, बस इतना याद रखो. कॉन्ड्रोसाइट यस, ये कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, मैच्योर सेल्स होते हैं. ऑस्टियोसाइट्स ये बोन सेल्स होते हैं. न्यूरोग्लिया ये जो होते हैं बेसिकली न्यूरल सिस्टम को जो है प्रोटेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं किसको, न्यूरॉन्स को. गॉबलेट सेल ये सिक्रेट करते हैं म्यूकस को, आपको याद रखना है, तो प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल म्यूकस म्यूकोसल एपिथेलियम एंड सिक्रेट म्यूकस. म्यूकस नेक सेल प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड ये भी सिक्रेट करते हैं क्या, म्यूकस को. पेप्टिक और चीप सेल ये प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड में एंड सिक्रेट करते हैं पेप्सिनोजन. ठीक ऐसा ही एक और होता है पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी गैस्ट्रिक ग्लैंड का ही पार्ट है और ये सिक्रेट करते हैं HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर.
हिपेटिक सेल और हिपेटोसाइट्स ये पाया जाता है किसमें, लिवर्स में। जे जी सेल जिसको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, ये जो होता है आपको पता होना चाहिए रेनिन और एरेथ्रोपोएटिन सीक्रेट करता है। एरेथ्रोपोएटिन जो होता है वो आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और रेनिन जो होता है ये रास सिस्टम में वर्क करता है। और रास सिस्टम में जो हमारे बीपी हमारी बॉडी की कम हो जाती है, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में रेनिन उसको मेंटेन करता है। अब ये न्यूरोसिक्रेटर सेल बेसिकली हाइपोथैलेमस में पाया जाता है जहाँ से हार्मोन सिक्रेट होता है। गैंग्लियोनिक सेल की बात करूँ, ये रेटिना में होता है। बेसिकली तीन हो, गैंग्लियोनिक सेल, बाइपोलर सेल और फोटोरिसेप्टर सेल्स, ये तीनों रेटिना में होते हैं। रॉड सेल डिम लाइट विजन के लिए होता है, यानी कि रात के विजन के लिए, और कोन सेल जो होता है ये डे लाइट विजन के लिए होता है। ऑर्गन ऑफ क्वालिटी ये जो होता है, अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग ऑर्गन ऑफ क्वालिटी। एडिपोसाइट्स एडिपोज टिश्यू के सेल्स होते हैं। पीएमएनएल इसका नाम होता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ये बेसिकली एक टाइप का जो है सेलुलर बैरियर है, आपको याद रखना है। नेचुरल किलर सेल्स भी, ये भी एक टाइप का सेलुलर बैरियर है। और मैक्रोफेजस ये फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, ये भी एक टाइप का सेलुलर बैरियर है। अब पोडोसाइट्स की बात करूँ तो ये बोमन कैप्सूल में पाया जाता है, आपको याद रखना है। और यहाँ पे इनर सेल मास जो यूजली होता है ब्लास्टोसिस्ट में, उसमें होते हैं स्टेम सेल्स जिसके अंदर ये पोटेंशियल होती है कि वो ऑर्गन या टिश्यू को बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अगर चैनल पे लें हैं और ये पूरा रिवीजन जो मैं आपको करा रहा हूँ अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, थैंक्स अबाउट।